भ्रष्टाचार पर निबंध प्रस्तावना। अवैध तरीकों से धन अर्जित करना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए देश की संपत्ति का शोषण करता है। यह देश की उन्नति के पथ पर सबसे बड़ा बाधक तत्व है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में दोष निहित होने पर देश में भ्रष्टाचार की मात्रा बढ़ जाती है। भ्रष्टाचार का अर्थ। भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट प्लस आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का मतलब है आचरण। अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। यह एक ऐसा अनैतिक आचरण है जिसमें व्यक्ति खुद की छोटी इच्छाओं की पूर्ति हेतु देश को संकट में डालने में तनिक भी देर नहीं करता है। देश के भ्रष्ट नेताओं द्वारा किया गया घोटाला ही भ्रष्टाचार नहीं है, अपितु एक ग्वाले द्वारा दूध में पानी मिलाना भी भ्रष्टाचार का स्वरूप है। भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी अधिक गहरी हैं कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जो इससे अछूता रहा है। राजनीति तो भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। आज भारत में भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। काला बाजारी अर्थात जानबूझकर चीज़ों के दाम बढ़ाना, अपने स्वार्थ के लिए चिकित्सा जैसे क्षेत्र में भी जानबूझकर गलत ऑपरेशन करके पैसे ऐंठना, हर काम पैसे लेकर करना, किसी भी सामान को सस्ता लाकर महंगे में बेचना, चुनाव धांधली, घूस लेना, टैक्स चोरी करना, ब्लैकमेल करना, परीक्षा में नकल, परीक्षार्थी का गलत मूल्यांकन करना, हफ्ता वसूली, न्यायाधीशों द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय, वोट के लिए पैसे और शराब बांटना, उच्च पद के लिए भाई भतीजावाद, पैसे लेकर रिपोर्ट छापना, यह सब भ्रष्टाचार है और यह दिन ब दिन भारत के अलावा अन्य देशों में भी बढ़ रहा है और कोई भी क्षेत्र भ्रष्टाचार से नहीं बचा है। शिक्षा विभाग भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा है, वह तो भ्रष्टाचार का केंद्र बनता जा रहा है। एडमिशन से लेकर समस्त प्रकार की शिक्षा प्रक्रिया तथा नौकरी पाने तक, ट्रांसफर से लेकर प्रमोशन तक भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। भारत विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या का सामना करता है। भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में मौजूद है और यह हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। देश का लचीला कानून। भ्रष्टाचार विकासशील देश की समस्या है। यहाँ भ्रष्टाचार होने का प्रमुख कारण देश का लचीला कानून है। पैसे के दम पर ज्यादातर भ्रष्टाचारी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अपराधी को दंड का भय नहीं होता है। व्यक्ति का लोभी स्वभाव, लालच और असंतुष्टि एक ऐसा विकार है जो व्यक्ति को बहुत अधिक नीचे गिरने पर विवश कर देता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में सदैव अपने धन को बढ़ाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। आदत। आदत व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत गहरा प्रभाव डालता है। एक मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद भी अपने ट्रेनिंग के दौरान प्राप्त किए अनुशासन को जीवन भर वहन करता है। उसी प्रकार देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से लोगों को भ्रष्टाचार की आदत पड़ गई है। मनसा। व्यक्ति के दृढ़ निश्चय कर लेने पर कोई भी कार्य कर पाना असंभव नहीं होता, वैसे ही भ्रष्टाचार होने का एक प्रमुख कारण व्यक्ति की मनसा अर्थात इच्छा भी है। भ्रष्टाचार के प्रकार। रिश्वत की लेन देन। सरकारी काम करने के लिए कार्यालय में चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक आपसे पैसे लेते हैं। इस काम के लिए उन्हें सरकार से वेतन प्राप्त होता है। वह वहाँ हमारी मदद के लिए हैं। इसके साथ ही देश के नागरिक भी अपना काम जल्दी कराने के लिए उन्हें पैसे देते हैं, अतः यह भ्रष्टाचार है। चुनाव में धांधली। देश के राजनेताओं द्वारा चुनाव में सरेआम लोगों को पैसे, जमीन, अनेक उपहार तथा मादक पदार्थ बांटे जाते हैं। यह चुनाव धांधली असल में भ्रष्टाचार है। भाई भतीजावाद। अपने पद और शक्ति का गलत उपयोग कर लोग भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं। वह अपने किसी प्रियजन को उस पद पर कार्यभार दे देते हैं जिसके वह लायक नहीं हैं। ऐसे में योग्य व्यक्ति का हक उससे छिन जाता है। नागरिकों द्वारा टैक्स चोरी। नागरिकों द्वारा टैक्स भुगतान करने हेतु प्रत्येक देश में एक निर्धारित पैमाना तय किया गया है, पर कुछ व्यक्ति सरकार को अपने आय का सही विवरण नहीं देते और टैक्स की चोरी करते हैं। यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में अंकित है। शिक्षा तथा खेल में घूसखोरी। शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में घूस लेकर लोग मेधावी व योग्य उम्मीदवार को सीटें नहीं देते, बल्कि जो उन्हें घूस दे उन्हें दे देते हैं।
इसी प्रकार समाज के अन्य छोटे से बड़े क्षेत्र में भ्रष्टाचार देखा जा सकता है, जैसे राशन में मिलावट, अवैध मकान निर्माण, अस्पताल तथा स्कूल में अत्यधिक फीस आदि। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार देश की उन्नति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। इसके वजह से गरीब और गरीब होता जा रहा है। देश में बेरोजगारी, घूसखोरी, अपराध की मात्रा में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। यह भ्रष्टाचार के फलस्वरूप है। किसी देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारणवश परिणाम यह है कि विश्व स्तर पर देश के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कानून। हमारे संविधान के लचीलेपन की वजह से अपराधी में दंड का बहुत अधिक भय नहीं रह गया है, अतः भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। कानून की प्रक्रिया में समय का सदुपयोग। कानूनी प्रक्रिया में बहुत अधिक समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, इससे भ्रष्टाचारी को बल मिलता है। लोकपाल कानून की आवश्यकता। लोकपाल भ्रष्टाचार से जुड़े शिकायतों को सुनने का कार्य करता है, अतः देश में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु लोकपाल कानून बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त लोगों में जागरूकता फैलाकर, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनाकर और लोगों का सरकार तथा न्याय व्यवस्था के प्रति मानसिकता में परिवर्तन कर व सही उम्मीदवार को चुनाव जिताकर भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। निष्कर्ष। भ्रष्टाचार एक वैश्विक समस्या बन गया है, जिससे लगभग सभी विकासशील देश जूझ रहे हैं। देश से हमारा अस्तित्व है, अर्थात देश के बिना हम कुछ नहीं। इसीलिए अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का हर संभव प्रयास हर देशवासी को करना चाहिए। अन्य निबंध लेखन के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखें।